तिलक समारोह में नाच के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, दूल्हा सहित इतने सारे लोग घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज बिहार और मैं हूं तनु। बिहार में हर्ष फायरिंग रोकने के लिए लाख पाबंदी लगाने वो कड़े कानून बनाने के बावजूद भी इसका सिलसिला थम नहीं रहा। लोग शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य आयोजनों में तमंचे पर डिस्को करने, तमंचा लहराने तथा हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके कारण आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। ताजा मामला शहर के टाउन थाना क्षेत्र के भुलहीपुर मोहल्ले की है। यहां मंगलवार की देर रात एक तिलक समारोह में नाच के दौरान कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग कर दी। इसमें गोली का छर्रा लगने से दूल्हा व उसके भांजे समेत तीन लोग जख्मी हो गए। आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जाखिमों में टाउन थाना क्षेत्र के भुलहीपुर मोहल्ला निवासी गौरीशंकर यादव के 18 वर्षीय पुत्र रविशंकर, मुफस्सल थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव निवासी ध्रुव यादव के 18 वर्षीय पुत्र लल्लू कुमार एवं कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सनैया गांव निवासी सरोज यादव का 12 वर्षीय पुत्र दूल्हे का भांजा करण कुमार शामिल है। दूल्हा गौरीशंकर को दाहिने हाथ में, जख्मी रिश्तेदार लल्लू कुमार को बाएं हाथ में, वो बाईं ओर पसली में एवं दूल्हे के भांजे करण कुमार को सिर में कई जगहों पे छर्रा लगा है। जख्मी दूल्हा रविशंकर ने बताया कि अगले माह की 2 तारीख को उसकी शादी है। मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रत्न दुलारपुर गाँव से तिलक आया था। तिलक के दौरान घर के ही बगल में नाच भी हो रहा था। इसी बीच कुछ युवक वहां आ धमकी और फायरिंग शुरू कर दी। छर्रा लगने से वह, उसके रिश्तेदार व भांजा जख्मी हो गए। जख्मी दूल्हा का कहना है कि तिलक में नाच चल रहा था, इसी दौरान कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में उसे और दो अन्य को गोली लग गई है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो नाच के दौरान दूल्हा और उसके साथी हाथ में पिस्तल लेकर डांस कर रहे थे, इसी दौरान फायरिंग हुई है। पुलिस इस मामले में दूल्हे के साथ अन्य साथियों की तलाश कर रही है। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज बिहार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।